प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा विषय रहेगा कार्यशील पूंजी प्रबंध, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। ये बीकॉम फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए है। एक व्यवसाय की समस्त पूंजी को सामान्यतः दो भागों में विभाजित किया जाता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि एक व्यवसाय को दो प्रकार की पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, एक स्थायी पूंजी, दूसरी कार्यशील पूंजी। स्थायी पूंजी वो होती है जो एक बार लगा दी जाती है और वो लंबे समय तक चलती रहती है। कार्यशील पूंजी वो होती है जिससे हमारे रोज़मर्रा की आवश्यकताओं के लिए आवश्यक होती है। कार्यशील पूंजी की आवश्यकता एक व्यवसाय को अपने दिन प्रतिदिन के कार्यों के निष्पादन के लिए पड़ती है। साधारण शब्दों में कार्यशील पूंजी से अभिप्राय कंपनी की कुल पूंजी के उस भाग से है जिसकी आवश्यकता चालू आवश्यकताओं के लिए वित्त प्रदान करने से होती है। कार्यशील पूंजी के अर्थ के संबंध में मुख्यतः निम्नलिखित दो अवधारणाएं प्रचलित हैं, सकल कार्यशील पूंजी अवधारणा और शुद्ध कार्यशील पूंजी अवधारणा। सकल कार्यशील पूंजी अवधारणा, इस अवधारणा के अनुसार कार्यशील पूंजी का अभिप्राय व्यवसाय के समस्त चालू संपत्ति के योग से है। शुद्ध कार्यशील पूंजी अवधारणा, इस अवधारणा के अनुसार कार्यशील पूंजी का अभिप्राय शुद्ध कार्यशील पूंजी से है जो किसी भी व्यवसाय की कुल चालू संपत्तियों का कुल दायित्व चालू दायित्वों पर आधिक्य है। अर्थात शुद्ध कार्यशील पूंजी किसके बराबर हुई, चालू संपत्तियां माइनस चालू दायित्व, यानी चालू दायित्व उसमें से घटा देंगे चालू संपत्तियों में से तो हमारे पास शुद्ध कार्यशील पूंजी बच जाएगी, क्योंकि कुछ चालू दायित्व हैं वो भी हमें चुकाने होते हैं वर्ष भर के दौरान में, तो वो घटाने के बाद जो पूंजी बचेगी वो शुद्ध कार्यशील पूंजी कहलाएगी। अगर चालू संपत्तियों में से चालू दायित्व को ना घटाया जाए तो ये सकल कार्यशील पूंजी कहलाती है। कार्यशील पूंजी की सकल अवधारणा तथा शुद्ध अवधारणा का अपना अपना महत्व है। जब व्यक्तिगत चालू संपत्तियों का कुशल कार्यशील पूंजी की सकल अवधारणा तथा शुद्ध अवधारणा का अपना अपना महत्व, प्रबंध करना हो तो कार्यशील पूंजी की सकल अवधारणा का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जब व्यक्तिगत चालू संपत्तियों का कुशल प्रबंध करना हो तो कार्यशील पूंजी की सकल अवधारणा का प्रयोग किया जाता है। शुद्ध कार्यशील पूंजी की अवधारणा के अंतर्गत इस बात पर अधिक बल दिया जाता है कि चालू संपत्तियों के कितने भाग की व्यवस्था दीर्घकालीन कोषों से की गई है। कार्यशील पूंजी की आवश्यकता, प्रत्येक व्यवसाय को अपनी दैनिक वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है, जैसे मेंटेनेंस है, टेलीफोन का बिल है, बिजली का बिल है और अन्य खर्चे हैं, छोटा मोटा सामान खरीदना है, आपको बाहर से कच्चा माल लाना है, उसका भुगतान करना है, तो इस तरह के अनेकों खर्चे हर रोज होते रहते हैं जिसके लिए हमें पूंजी की आवश्यकता होती है, जिसको हम कार्यशील पूंजी कहते हैं। सामान्यतः कार्यशील पूंजी की आवश्यकता कच्चा माल क्रय करने के लिए, व्यवसाय के दैनिक कुशल संचालन एवं विभिन्न व्ययों को भुगतान हेतु होती है। कार्यशील पूंजी की आवश्यकता विभिन्न व्यवसायों के अलग अलग होती है। कार्यशील पूंजी की आवश्यकता का मुख्य कारण उत्पादन और नगद प्राप्ति के बीच समय अंतर है, अतः कार्यशील पूंजी की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से होती है। कच्चे माल, निर्मित तथा अर्धनिर्मित माल का स्टॉक में रहना। कई बार क्या होता है कि कई बार ऐसा कच्चा माल यूज किया जाता है जिसकी स्कैर्सिटी हो, अभाव हो या सीजनल हो, तो उसका स्टॉक हमें करना होता है, तो ऐसी दशा में इसके लिए हमें ज़्यादा कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी। निर्मित माल, जैसे मान लो अगर माल हमारा निर्मित है और उसके लिए अर्धनिर्मित माल का स्टॉक रखना हो तो अर्धनिर्मित स्टॉक की वैल्यू ज़्यादा होती है, तो उसके निर्माण, उसके कच्चे माल का खर्चा प्लस उसके बनाने का खर्चा, लेबर का खर्चा और उसकी कॉस्ट मिला के, तो इसलिए निर्मित माल के लिए अगर अर्धनिर्मित माल की स्टॉक की आवश्यकता पड़े तो हमें ज़्यादा
वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता पड़ेगी। श्रमिक एवं कर्मचारियों के पारिश्रमिक का भुगतान, हर महीने हमें श्रमिकों एवं कर्मचारियों को पारिश्रमिक देना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता पड़ती है, चालू पूंजी की। ऊपरी व्यय का भुगतान, ऊपरी व्यय आप जानते हैं फिक्स्ड कॉस्ट के अलावा ऊपरी व्यय ओवरहेड जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उनमें हमें कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। ग्राहकों को उधार की सुविधा देना, अगर ग्राहकों को हमने ज़्यादा उधार की सुविधा दी है तो उसके लिए अगर लंबे समय के लिए दी है तो इसका मतलब वर्किंग कैपिटल हमें ज़्यादा चाहिए। अगर भुगतान का के लिए रीपेमेंट के लिए अगर शॉर्ट टाइम दिया गया है तो उसके लिए कम वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता पड़ेगी। लाभांश का नगद वितरण करने के लिए, अगर लाभांश हमें नगद देना है तो इसलिए वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता ज़्यादा पड़ेगी, अगर नगद नहीं देना है तो इसका मतलब उसके लिए वर्किंग कैपिटल की या कार्यशील पूंजी की कम आवश्यकता पड़ेगी। स्थायी संपत्तियों के संपूर्ण प्रयोग के लिए, स्थायी संपत्तियों के संपूर्ण प्रयोग का मतलब है कि अगर हमारे पास कार्यशील पूंजी का अभाव है तो हम उससे स्थायी संपत्तियों का संपूर्ण प्रयोग नहीं कर पाएंगे। कि जैसे मान लो हमारे पास देने के लिए वेतन नहीं है तो इसका मतलब हम उसको वेतन के लिए पैसे नहीं हैं, या कार्यशील पूंजी नहीं है तो मशीनें जो है वो खाली रहेंगी, और इसी तरह से अगर कच्चा माल नहीं है तो भी मशीनें खाली रहेंगी और लेबर भी खाली रहेगी, जिससे कि हमें नुकसान होगा और कार्यशील पूंजी का अभाव रहेगा। कार्यशील पूंजी के विभिन्न निर्धारक तत्व होते हैं, जिसमें अलग अलग पूंजी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। कुछ तत्व ऐसे हैं जिससे व्यवसाय की जो प्रकृति है उसके ऊपर निर्भर करते हैं, तो ये कल हम इसको कार्यशील पूंजी के निर्धारक तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे। आज इतना ही, थैंक यू।